कभी हम सुनते कि किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो कभी हम सुनते कि किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो ये दोनों कंडीशन सेम है या अलग अलग है? हेलो, आई एम डॉक्टर संजीव कुमार कड़केकर, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई। आज हम वीडियो में ये दोनों चीज़ें समझा देंगे। पहले हार्ट अटैक यानी क्या? हमारे हर बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई लगता है, वैसे हार्ट को भी ब्लड सप्लाई लगता है। ये हार्ट के जो ब्लड सप्लाई वाली आर्टरीज है, ये कभी सडनली बंद हो गई तो क्या होता है कि हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलने की वजह से पेशेंट को चेस्ट पेन होता है। फिर ये पेशेंट हॉस्पिटल चले जाते हैं, वहाँ पे उनका ECG इको हो जाता है और उसमें पता चलता है कि आपको हार्ट अटैक आया है। फिर इनका एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो जाता है और फिर ये पेशेंट अच्छे हो जाते हैं। ये हो गया हार्ट अटैक। नाउ कार्डियक अरेस्ट यानी क्या? ये पेशेंट को किसी चेस्ट पेन वगैरह नहीं होता है, ये पेशेंट चलते चलते बात करते करते सडनली गिर जाते हैं। इस वेरी डेंजरस कंडीशन, और ये पेशेंट को 3 मिनट के अंदर यदि उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ये पेशेंट बच नहीं पाते हैं। तो इन्हें क्या ट्रीटमेंट लगता है? इन्हें लगता है CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन यानी क्या? एक तो हम चेस्ट को कॉम्प्रेशन करके हार्ट जैसा काम करते हैं और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे के पेशेंट को रेस्पिरेटरी सपोर्ट देते हैं, और ऐसे पेशेंट जैसा हॉस्पिटल में जाने के बाद आगे का ट्रीटमेंट हो सकता है। अभी हम सोचेंगे ये दोनों के बीच में कन्फ्यूजन क्यों हो गया है? तो क्या है कि थोड़ा सा उसमें दोनों में ओवरलैप भी रहता है। जैसे कभी कभी कुछ हार्ट अटैक में, सीवियर हार्ट अटैक में पर्सन को डायरेक्ट कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, और समटाइम्स कार्डियक अरेस्ट का रीजन हार्ट अटैक भी हो सकता है। मगर बॉटम लाइन यही है कि दोनों कंडीशन डेंजरस है, और दोनों कंडीशन में पेशेंट को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में पहुँचना जरूरी है। कार्डियक अरेस्ट में CPR लगेगा, और नॉट नेसेसरी एवरी हार्ट अटैक को CPR देने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।